आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ फिजिकल रिटेन के साथ साथ रहने खाने की हॉस्टल भी उपलब्ध है। हमारा पता है जवान सेना भर्ती, रानी रोड नियर गुरनाना कॉलेज, दुहाटा रोड, धनबाद। बिहार पुलिस के स्पेशल बैच चल रही है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9709129588। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र दुम्बा के तरफ से सभी देवघर वासियों को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके शहर चकई का एकमात्र शोरूम कोमा की ई बाइक्स, आइए हमारे शोरूम पर और आसान किस्तों में लेकर जाइए इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा आदि। इसमें ना पेट्रोल डलवाने की चिंता और ना ही रजिस्ट्रेशन का टेंशन। हमारा पता है केसरी इंटरप्राइजेज, वायरलेस चौक के समीप, गिरिडीह रोड, चकई, जमुई, बिहार। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। धनबाद के बसेरिया में एक शराबी पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि महिला को एक आंख से दिखना बंद हो गया। शुक्रवार की सुबह पीड़िता पिंकी देवी ने महिला थाना प्रभारी एम गुड़िया के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है, जहां पुलिस ने उसे त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि प्रतिदिन उसका पति शराब पीकर घर आता है, घर के कपड़े, बर्तन, जेवरात आदि बेचकर शराब में उड़ा चुका है। बीती रात शराब पीने से मना करने को लेकर उसके पति ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे कि वह बेहोश हो गई। सुबह में जब होश आया तो एक आंख से दिखना बंद हो गया था। वहीं महिला थाना प्रभारी की एम गुड़िया ने बताया कि महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया गया और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो मांगता है ना, उनको नहीं दी जाएगा, बोले मर्डर बताया गया, तो मामला आया कि एक पत्नी जो है अपने पति और घर वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हाँ, आई हुई है, उसको मारपीट किया गया है, हम लोग उसको देख रहे हैं, जैसे होगा उचित कार्रवाई किया जाएगा। महिला का मेडिकल भी करवाया है क्या? अभी तुरंत आई है तो अभी उसको भेजेंगे। मैम, ये जो फैमिली, ये जो पारिवारिक झगड़े हैं, आमतौर पे देखने को मिलता है कि बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? परिवार में सामंजस्य की कमी या फिर कुछ और? इसमें देखिए, अभी तो देखिए कोरोना का भी है और उस सबको लेके भी परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव है दोनों में। तो महिला का आरोप है कि उसका पति जो है शराब बहुत पीता है और शराब ही उसके पति के साथ, पत्नी के साथ मारपीट का बड़ा कारण है। क्या अपील करेंगे ऐसे पतियों से जो शराब पीकर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद बाकी किया जाएगा कार्रवाई। क्या परेशानी है? मेरे पति हमको मारते हैं दारू पी के। सास बोलते हैं मैं, मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगी, जो करता है वो करने दो, तुमको कोई जरूरत। कहाँ पर रहते हैं? भोलानाथ बसेड़िया, रवानी बस्ती। बच्चे कितने हैं? दो गो है। शादी कब हुआ? शादी 2012 में हुआ। 8 साल हुआ। किस बात के लिए मारा? दारू पीते हैं, राशन पाती बेच के घर का खा जाते हैं, पी जाते हैं, खाना उना सब भी छीट देते। कब आए थाना? आज 1 घंटा हो गया। खाली आँखें मारा है? नमक मिले थे? क्या लिखे? आधे लिखा, थाना कहाँ पड़ता है मालूम नहीं। बसेरिया में है? बसेरिया ओपी है, बसेरिया थाना है। वो भैया लिखे हो? आना भैया, आना महिला थाना। आपको लिखने नहीं आता है? नहीं। कितना साल पहले शादी हुआ था? 2012 में शादी हुआ मेरा। बच्चे कितने? दो। शादी घर वालों की सहमति से हुई? हाँ। अरेंज मैरिज हुआ था? ना, शादी हुआ बढ़िया से। बढ़िया से। मायके कहाँ पर है? जरिया। आपके पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते। कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? सब किया, हार गया मेरा बाप। माँ बोला बेटी अपना कदम अपने से उठाना, तुम ये बात बोले। हाँ।
इसलिए हम हार कर आ गए हैं और आप लोग हमको न्याय दिलाइए बढ़िया से रखने के लिए बोली। क्या पति को जेल भेजना चाहते हैं या चाहते हैं दोस्त ठीक से रखे? मेरा पति बढ़िया से हमको रख के मारपीट ना कर ना कर, बस इतने हम मांगते हैं आप लोग से। बस किस चीज से मारा था जिससे कि हम देख नहीं सके, हम बेहोश हो गए थे। वो कब कैसे वो दारू पी के आते हैं। आप क्या बोले? हम बोले काहे इतना दारू पीते हैं, तो बोलते हैं हम पिएंगे, राशन पाती सब बेच के पी जाता है। उसके बाद गहना वहना सब बेच देता है, अब पी जाता है दारू। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद झगड़ा झगड़ा लड़ा, बस इतना। किसी से मारा पता नहीं चला? पता नहीं चला हमको, हम बेहोश हो गए थे तब हमको मारे। क्या नाम है आपका? पिंकी। पति का नाम? भोला रावत। वो भी गाड़ी चलाता है? कौन सी बिजनेस गाड़ी चलाता है? ऐसा ही माइंस में बिजनेस, पता नहीं प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट में बिजनेस ये गाड़ी चलाता है।